जय श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वाज्यायाणं नमो लोये सबशाहु एष सुरासुर मनुषिन्द वंदितं दोर्घायिकं ममलम् परिमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्ता। श्री प्रवचन सार जी परमागम, इसमें अपन ने कल एक गाथा की चर्चा करते करते अधूरी रह गई थी, युक्त आहार और युक्त विहार, थोड़ी चर्चा करेंगे इसकी अपन। उसके पहले 221 नंबर की गाथा में थोड़ी सी चर्चा बताना बाकी थी, पहले निकल गई थी लेकिन विस्तार से नहीं गई थी, उसकी थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर। अनेकांतिक और एकांतिक की चर्चा की थी, छेद की थोड़ी सी, इस गाथा को फिर से पढ़ता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझे थोड़ा। 221 नंबर की गाथा है, उपज के सद्भाव में आरंभ मूर्छा असंयम हो फिर कहो पर द्रव्य रत निज आत्म साधे किस तरह। पर द्रव्य रत एक शब्द अपने प्रयोग किया था, आपको याद होगा, पर द्रव्य के प्रति प्रतिबंध और स्वद्रव के प्रति प्रतिबद्ध। स्वद्रव के प्रति जो प्रतिबद्ध है बाउंडेड है, इंग्लिश में कहो तो बाउंडेड है, जो स्वद्रव माने शुद्ध आत्मा में, भगवान आत्मा में, ज्ञायक में ही जिनकी लगन है 24 घंटे, प्रायोरिटी है, मुख्यता है, उन जीवों को शुद्ध उपयोग होता है, कर्म करते हैं। और जो परद्रव अर्थात परिग्रह, चाहे वो शरीर हो या कुछ और हो, सामग्री हो, उनके प्रति प्रतिबद्ध हो, तो वो आत्मा को किस प्रकार से साध सकते हैं, चर्चा हो गई है। जब शरीर ही परिग्रह है तो अन्य परिग्रह की तो बात ही क्या है। लेकिन एक जो पॉइंट थे वो रह गए थे, इसमें अभी पढ़ के समझ आता हूँ। देखो दोनों जगह काम आएंगे ये परिग्रह, मैंने जो पॉइंट है इसकी 221 नंबर का, युक्त विहार, युक्त आहार की चर्चा हो गई थी, युक्त विहार की चर्चा करना है, वो पॉइंट यहाँ भी काम आएंगे। देखो उपाधि के सद्भाव में, अर्थात कोई सामग्री वे लेते हैं, उपकरण लेते हैं, शरीर आदि है, संयोग में है, और भी बाहर की सामग्री आती है, यदि वो परिग्रह है तो परिग्रह कैसे कहलाता है, मतलब परिग्रह क्यों कहते हैं। वर्तमान में ऐसे बहुत लॉजिक चलता है, चश्मा लगा ले तो क्या होगा, और पेन रख ले तो क्या दिक्कत होगी, कॉपी रख ले तो क्या दिक्कत है, डायरी और रख ले तो क्या दिक्कत है। मैंने ऐसा लगता है कि ये सब रख ले हम तो इसमें क्या दिक्कत है। वर्तमान में तो और कहते हैं वो, आजकल तो ये लैपटॉप आ गए, क्या कहलाते हैं आजकल लिखने के सब जो भी तुम्हारे कुछ टेबलेट है ना, क्या कहलाता है, हम पैड क्या है, आईपैड जो भी कुछ, तो अभी उनका कहना है कि जैसे कॉपी है ऐसी वो चीज है। जब ग्रंथ लिखते थे तो ताड़ पत्र पर लिखते थे तो हम इसके अंदर लिख रहे हैं, कांटे से लिख रहे थे हम, पेन से लिख रहे हैं, बॉल पेन और जो भी एक्सेट्रा, ऐसे बहुत बहुत ऐसे है। तो वो परिग्रह कैसे बनेगा ये बताना है, वो निर्ममत्व तो क्यों नहीं रह पाएंगे। आपको मालूम है पीछे कमंडल के बारे में क्या क्या कहा था, कि वो अनिंदित नहीं होनी चाहिए, असंयमी जनों के द्वारा प्रार्थनी नहीं होनी चाहिए, उसके चोरी जाने का भय नहीं हो, बहुत सारी बातें पढ़ाई थी अपने से। क्यों, यदि वो कीमती होगी, अल्प अल्प मूल्य वाली होनी चाहिए, कीमती होगी तो चोरी जाने का डर लगा रहेगा, अमेरिका से कोई भाई आए या उन्होंने कोई चीज भिजवाई, पेन भिजवाया सोने का मेरे लिए, तब उन्होंने सोने का पेन भिजवाया, मैं सोने का पेन तो जिंदगी में छूंगा भी नहीं, अरे क्यों, बड़े प्रेम से भिजवाया, बड़े भाव, बड़े प्रेम और बड़ा भाव ही तो खतरनाक है,
मैंने हम उस पेन के लिए उन सेठ का याद करते रहेंगे, कौन ने भेजा, हर कोई पूछे कौन ने दिया उनका, मैंने हम 24 तीर्थंकर का स्मरण करेंगे इनका करें, नहीं लिया हमने छुआ नहीं। मैंने कहा वो आते से मूर्छा पैदा करेगा, इसमें पहला शब्द है मूर्छा, मेरा है ए, तुम हाथ नहीं लगाओगे, तुम आज के आए आए तुम हाथ लगा रहे हो मेरे पेन से, मानो कितने का 50,000 का है, तुम्हें पता है इतना कितने, मानो मूर्छा हो जाएगी। शुद्धात्म शुद्धोपयोग का घात करते हैं, ऐसी चीज नहीं लेना, मूर्छा पैदा हो गई, ममत हो गया, हमारा है संभाल के रखो। कहानी सुनाना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब बहुत लेट हो गए तो कहानी सुना देना चाहिए, बहुत ही लेट हो गया अपना आज, लेकिन इतने ज्यादा लेट भी नहीं हुए, विदिशा जैसे 11 से 12 हुआ था हमारा रात को। ये तो आपका संयम है, आप बैठे हैं। अन्य मतावलंबियों की कहानी में आता है, ये गुरु शिष्य थे, गुरु जी के पास एक सोने की ईंट थी, सोने की ईंट, तो वो किसी को दिखाते नहीं थे, शिष्यों को भी नहीं दिखाते थे, लपेट लपेट के सुरक्षित और लेके रखे रहते थे, वो बड़ी भारी रहती थी, रखे रहते थे, तो शिष्य को कभी मालूम नहीं पड़ता था इसमें क्या है, लेकिन शिष्य तो जंगल में शिष्य को गुरु बोले जल्दी चल जल्दी रात हो जाएगी, तो शिष्य बार बार बोले रात हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अरे यहाँ डर है, बोले साधुओं को क्या डर है, अरे तू नहीं समझता, सर ठीक है शिष्य ज्यादा क्या बोल सकता, कोई बात नहीं। तो एक स्थान पर एक दिन एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तो साधु महात्मा को 2 नंबर जाना थी, समझ गए 2 नंबर जाना चले गए, तब उसके पास मौका है कि अपन देखे तो आगे जमे है क्या, रात हो जाएगी डर है, जिसने है क्या तो उसने खोल के देखा तो उसमें सोने की ईंट थी, तो उसने सोने की ईंट उठाई और कुएं में फेंक दी और फिर एक जो ईंट होती है सिंपल 5 रुपए वाली आजकल की, वो उसमें रख के लपेट लपेट के, अब गुरुजी आए जल्दी चल रात हो जाएगी, हाँ चलो जल्दी जल्दी चल डर है, बोले गुरुजी डर तो हम कुआ में फेंक गया, वो जो डर था ना जो भय था रात हो जाने का वो तो कुएं फेंका, बोले क्या मतलब, अब एकदम बोले क्या कह रहा है, बिल्कुल मत डरो अब तो चाहे कोई आ जाए, तो एकदम घबरा गए तो खोल के देगा, तो ईट निकली तो उसे वहीं फेंक दी, उस कहानी में तो ये कहना है उनको, तो फिर गुरु बड़े खुश हुए, चलो अब अच्छा रहा भय नहीं रहा। कुछ समझ में आया आपको, कीमती पदार्थ साथ में रखने पर बड़ी तकलीफ है, सबसे पहले शुद्ध उपयोग का घात होता है, मूर्छा पैदा होती है, मेरा मूर्छा माने ममत्व, जहां तुम्हें परद्रव्य अपना लगने लगे इसका नाम बेहोशी है, मूर्छा है, मूर्छा समझते हो, मूर्छा में होता क्या है, जहां आपको अपना होश नहीं रहता, बेहोश आदमी पड़ा हो, बेहोश आदमी पड़ा हो उसे अपने हे उपाधि का करने लायक नहीं करने लायक का कुछ होश नहीं रहता, ऐसे इसको शुद्ध आत्मा की होश नहीं रहती। आप क्या समझते हो, जिन्हें पैसा प्रिय होता है तो उन्हें जिन मंदिर तक चूक जाए, जिन मंदिर चूक जाए, पढ़ाई लिखाई का इतना व्यायाम होता है बच्चों को आजकल, पढ़ाई लिखाई का व्यायाम क्यों होता है, कि अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी में अच्छा पैसा मिल जाएगा, उसके लिए बच्चा 12-15 घंटा पढ़ाई कर रहा है, मंदिर नहीं छूटे तो छूट जाए, पूजा पाठ छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, रात्रि भोजन करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, क्या करें, कोचिंग से लेट आता है बच्चा तो रात्रि भोजन स्टार्ट, आलू प्याज स्टार्ट, धीरे धीरे बेचारा मौत की मुंह में चला जाता है सीधा सीधा, 12-15 घंटा की जॉब मिल गई तो बेचारा रात को खाएगा, और मंदिर पूजन पाठ फिर छूट गया, स्वाध्याय फिर छूट गया, फिर वही वही समस्या, मैंने ऐसी मूर्छा होती है कि अपने होश नहीं रहता कि हम कौन है, तो कभी भी दिगंबर मुनिराज पीछे के मंडल के सिवा अन्य चीज क्यों नहीं रखते, नंबर एक मूर्छा पैदा होती, नंबर दो उनकी आरंभ की व्यवस्था करना पड़ती है, अमृतचंद स्वामी ने इसके लिए शब्द लिखा है कर्म प्रक्रम, वैसा शब्द थोड़ा सा, मैंने उसकी व्यवस्था बनाए रखना पड़ती, क्यों ड्राइवर कहाँ है, वो गाड़ी लाओ, क्यों उसके कागजात तैयार कराए कि नहीं कराए, पेट्रोल भरवाया कि नहीं भरवाया, तुमने कितनी बार कहा, वो आपको पूरा मैनेजमेंट करना पड़ेगा,
जैसे ग्रस्त लोग गाड़ी रख करके हैरान परेशान होते हैं, ऐसे साधु परमेष्टी कभी गाड़ी नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्यों उन्हें परेशान नहीं होना? और नहीं तो जनरली परेशानी होती ही है। हम तो एक इसका एक दृष्टांत है। आप एक काम करो, कहीं तीर्थ यात्रा करने जाओ, चार से गाड़ियां कर लो, चार से कार एक के पीछे चली जाएंगी, तो अपने क्या दिक्कत। लेकिन आपको पता है कहीं भी उतरते सही सब कार आ गई कि नहीं आई, क्यों, कौन सी अटक गई, कुछ हो तो नहीं गया, फोन लगाओ, एक्सीडेंट हो गया, अरे अब क्या होगा। बोले आप चारों कार वाले हैरान परेशान रहोगे, हर आदमी वो लगा ही रहेगी, वो आई कि नहीं आई गाड़ी, आई नहीं तो क्यों नहीं आई, उसमें कुछ किसी का कुछ बिगड़ तो नहीं गया, नुकसान तो क्या 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 तकलीफ हो। ये दूसरा कब लिखा है भैया जी बात? 2000 वर्ष पहले आचार्य कुनकुन स्वामी ने लिखा है कि पीछी कमंडल के अलावा यदि कोई भी परिग्रह रखा जाएगा तो तीन दोस्त खड़े हो जाएंगे। नंबर एक मूर्छा माने अपना, ये हमारा संघ, ये हमारे शिष्य, ये हमारी गाड़ी, ये हमारा बनाया हुआ आश्रम, ये हमारा हमारा हमारा, तो पहला नंबर मूर्छा खड़ी हो जाएगी। दूसरा पे उसकी व्यवस्था, तुम अपने आश्रम की व्यवस्था देखोगे, चलाना पड़ेगी, क्यों पानी डल गया कि नहीं डला क्या कहें आपको। मैंने ऐसे जैसे क्या कहना था, टेक्नीशियन नहीं होते, क्या कहना, टेक्नीशियन नहीं, जो बनाने वाले ठेकेदार, जैसे ठेकेदार सारी व्यवस्था करता है, ऐसे श्रावकों को व्यवस्था करना पड़ती है। अर्थात जो भी ये बनवाते हैं उनको ये व्यवस्था करने का विकल्प आए बिना रहता ही नहीं। तो दो बात हो गई, अभी तीसरी बात लिखी है, फिर तीसरा है शुद्धात्म स्वरूप का घात करने वाला असंयम। समझ में आए? असंयम, असंयम के लिए अमृतचंद स्वामी ने लिखा है शुद्धात्म स्वरूप का घात करने वाला, शुद्ध उपयोग का घात करने वाला, तीसरे नंबर पर लिखा है। ये तीन पॉइंट होने के कारण परिग्रह रखना संभव नहीं है। इसका मतलब है कि शुद्धोपयोगी दिगंबर मुनिराज होंगे, उन्हें ये संभव नहीं होगी ये चीज, उनकी अपेक्षा से वर्णन आप सुनते रहे ना। और अब मैं अब ले रहा हूँ युक्त बिहारी, तो युक्त बिहारी का थोड़ा तो आप यहाँ समझ गए होंगे, 221 नंबर की गाथा से। अभी मेरी गाथा चल रही थी 230 पे आना है मुझे, लेकिन 230 के पहले इसके 229 नंबर की जो गाथा थी उसमें युक्त आहार हुआ युक्त विहार, इसमें एक दो बातें मुझे बतानी है। एक तो युक्त विहार का समझो, युक्त विहार का मतलब ये है कि ध्यान से सुनना, युक्त विहार का मतलब ये है कि दिगंबर मुनिराज के शुद्धोपयोग का घात नहीं हो, इसका नाम युक्त विहार। जैसे वो अपन एक संकल्प कर लिए 5 दिन के अंदर हमें वहां पहुंचना है, 4 महीने के अंदर यहां से बाहुबली पहुंचना है। आप कभी जाके देखो 4 महीने में बाहुबली क्या होगा, फिर सुबह हो शाम हो दोपहर हो, सामायिक का क्या होगा, शिष्यों के पठन पाठन का क्या होगा, इतनी दूर भाग नहीं है। अब कोई बीमार भी हो जाते हैं, किसी को अंतराय आ जाते हैं, किसी की तकलीफ होती है, फिर उनके स्वास्थ्य का क्या होगा, कुछ अता पता नहीं लगता। डेट दे दी उधर पंचकल्याण में पहुंचना, मैंने पहुंचना, साल भर 2 साल के डेट फिक्स। अब कितने परिणामों में मलिनता होगी, चित्त में कितना थकान होगी। इसका मतलब है कि इन 2 वर्ष में, 1 वर्ष में, 6 महीने में, मैंने तो कल क्या कहा था आपको, दिगंबर मुनिराज ये भी नहीं कह सकते कि वे अगले 1 घंटे बाद 1 घंटे का प्रवचन करेंगे कि नहीं करेंगे। शाम को तो नहीं करते, कल सुबह मेरा प्रवचन होगा कि उनका होगा कि इनका होगा, ये नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले शुद्ध उपयोग का घात करेगा। तो युक्त विहार में एक तो ये सारी बातें आ गई, जहां उनका चित्त रम गया वहीं वे रम जाएंगे, कहेंगे नहीं, व्यवस्था नहीं करेंगे। विहार में दिगंबर मुनिराजों के लक्ष्य से उनके सामने कमरा नहीं धोया जा सकता, कमरे में झाड़ू नहीं लगाई जा सकती, खिड़की टूटी हो तो उनके सामने कील नहीं ठोक सकते यार, बिजली जल रही हो तो बंद नहीं कर सकते, और बंद हो गई हो तो मुनिराज पधारने वाले इसलिए लाइट चालू नहीं कर सकते। ये सब पढ़ना आप उसमें विस्तार से, बहुत विस्तार से लिखी है सारी बातें। इसका नाम है युक्त विहार, माने हमारे लक्ष्य से कोई काम मत करो, पाटा भी उठाकर यदि उनके लक्ष्य से रख दिया जाए ना तो आरंभ का अनुमोदन कहलाएगा, जबकि उनके 9 कोटि से त्याग है तो उस पार्टी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या हमारे लक्ष्य से नहीं रखो, हम उस पर नहीं बैठेंगे, तो फिर उनकी व्यवस्था कैसे बनेगी।
अब ये बड़ी गड़बड़ हो जाएगी यदि उनके उद्देश्य से आहार की व्यवस्था ना बनाई जाए और उनके उद्देश्य से कमरा साफ नहीं किया जाए तो फिर मुनिराजों की व्यवस्था कैसे होगी। कितना श्रावकों को इतनी भक्ति होती है, इतनी भक्ति होती है कि मुनिराजों के पधारने पर नहीं करते, पहले से ही प्रतिदिन अपने आहार विहार की व्यवस्था ठीक रखते हैं। क्यों तुम पहुंचो और तुम्हारे सामने हो कीट हो गए, समझो सरल दृष्टान देखे कि तुम ससुराल भी नहीं कहो, अभी एक लड़का लड़की देखने गया, अभी ससुराल नहीं बनी, एक लड़का लड़की देखने गया और जैसे ही तुम पहुंचे तो तुम्हारे सामने फटकार के नई चादर निकाल के डाले पलंग पर और तुम आ गए तो फिर एक रकेबी माँज के, रकेबी मैंने प्लेट स्टील की माँज के और फिर वहां में कचू दे, बोलो जूठन के बर्तन में से एक गिलास निकाला भाई माजा धोया फिर पानी पीने को दे, आपको कैसे लगे, आपको कैसे लगे। मैंने आपके सामने आपकी भी व्यवस्था की जाए, ये बात लोक में भी सुंदर नहीं। तो युक्त आहार और युक्त विहार इन दोनों बातों की चर्चा अपन ने की थी, उसमें एक बात ये बताई। अभी मुझे एक बात इसमें थोड़ी सी और कहने की इच्छा हो रही, हमारे घर परिवार में दिगंबर मुनि बनने की संस्कार डाले जाते हैं, क्या कह रहे हैं आप, दिगंबर मुनि बनने के संस्कार डाले जाते हैं, मतलब माँ बच्चे को सिखाती है मांग करके नहीं खाना, कोई आहार कर रहा हो तो उसे देखना नहीं, कोई भोजन करता हो तो देखना नहीं। इसमें एक बहुत अच्छा शब्द है, बहुत बढ़िया पढ़ना आप लोग, मन पसंद भोजन नहीं बनवाना, युक्त आहार में लिखा है, आप पढ़ना है युक्त आहार में। दिगंबर मुनिराज चेतन रस के रसिया हैं, इस रचना इंद्रिय के रस के रसिया नहीं है, दो में से एक ही रस हो सकता है, चेतन का रस या रचना इंद्रिय का रस। अब रचना इंद्रिय का रस होगा मान के चलो, रचना इंद्रिय का रस तो आप हमेशा परेशान रहोगे, हमें नहीं खाना है, जिसका टेस्ट अच्छा नहीं है। लेकिन दिगंबर मुनिराज को जब आहार की चर्या होती है टेस्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बच्चों को भी ये सिखाया जाता है, बेटा जैसा बनता है वैसा खाना सीखो, कभी कल दूसरों के घर में जाओगे और यदि तुम्हें कोई सब्जी ऐसी वैसी मिली तो तुम क्या करोगे वहां, बोलो। तो सब तरह का भोजन करना सीखो, ठंडा भोजन करना सीखो, अब कुछ कह गए ठंडा भोजन, जब बच्चे रोटते ना घर में, हमें नहीं गरम गरम रोटी चाहिए, तो बेटा जब तुम दिगंबर मुनिराज बनोगे तो गरम गरम रोटी पराठा थोड़ी मिलेगा, वहां तो जैसा बना हुआ ठंडा ही मिलेगा ना, क्योंकि दिगंबर मुनिराजों को गरम गरम आहार नहीं होता, गरम सब्जी गरम गरम दाल गरम रोटी गरम पराठा कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि दिगंबर मुनिराज के सामने अंगीठी जलाना, चूल्हा जलाना, गैस जलाना, रोटी बनाना, ये उनके उद्देश्य में आ जाएगी, उद्देश्य में आई, इसलिए उनको उद्देश्य आहार नहीं होना चाहिए। इसलिए गरम गरम आहार ऐसा नहीं यहाँ बनता जा रहा है या देते जा रहे, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, अग्नि के देख, अग्नि का देखना भी 46 दोषों में एक दोष है, 32 अंतराय में अंतराय है। तो ये जब सारा अध्ययन आप करोगे ना उसमें आपको ये बात मालूम पड़ जाएगी। तो हमारे घरों में ये प्रक्रिया होती है कि हमेशा मौन पूर्वक भोजन करना, आपने देखा है आठम चौदस क्यों करते हैं हम लोग, मौन पूर्वक भोजन क्यों करते हैं आठम चौदस 10 लक्षण में, ये मुनि बनने का संस्कार, मांगना नहीं, इशारा नहीं करना, जैसे भोजन कर रहे हो आप मौन पूर्वक 10 लक्षण में कर रहे हो और उन्होंने कोई चीज परसी, कम परसी, ज्यादा परसी और तुम इशारा करोगे, इशारा करोगे तो मुनि दशा में आपको वो संस्कार मांगने का हो जाएगा। दिगंबर मुनिराज मांगते नहीं है, हम उनके मामले में तो नहीं कहेंगे, हम आपको कह रहे हैं, आप श्रावक हो। एक बहुत अच्छी बात तरीके से समझाऊं, पति कभी पत्नी से मांग करके नहीं खाता, क्या बोला हमने कुछ, पति कभी पत्नी से मांग करके नहीं खाता, चाहे भले अपना घर है, पत्नी अपनी है, रसगुल्ला भी अपने ही है, लेकिन मांग के नहीं खाता, कोई और चीज चाहिए रोटी दाल सब्जी कोई भी चीज तो मांग के नहीं खाता। क्यों, क्योंकि वो पति माने स्वामी, राजा मांग करके नहीं खाता, इसको इंदौर की साइड की भाषा में कहते हैं मंगता मांगता है, मंगता समझते हो, मंगता समझते हो, मंगता, हाँ मंगता माने भिखारी, मंगता मांग करके खाता है, देना भैया
माने वो पति की कितनी बड़ी दीनता हो कि वो भूखा है और पत्नी को इतना अनुमान नहीं कि भूखे हैं। पत्नी दोपहर में 2 बजे आए घर में और उसे इतना अनुमान नहीं कि प्यासे होंगे इतनी गर्मी में, तो पानी के लिए पूछना चाहिए। माने घर परिवार में इतने संस्कार डाले जाते हैं, सामने वाले को याचना नहीं करना पड़े, मांगना नहीं पड़े, और उसके पहले आप पानी भोजन यथा योग जो उन्हें दूध चाहिए हो, ठंडाई चाहिए हो, जो सामग्री चाहिए आप ना दो, तो आप में मुनि पने के संस्कार नहीं आते हैं। और जो महिलाएं हैं उनको दान देने की विधि नहीं आती। पढ़ना थोड़ा विस्तार से, मैं तो एक एक दो पॉइंट याद आ रहा है तो आपको बता रहा हूँ। उसमें लिखा है कि दिगंबर मुनिराजों की आहार की चर्या इस तरह से करें श्रावक लोग, जैसे अबोला बालक की बात को माँ समझ जाती है। फिर से बोलो, अबोला बालक समझते हो? अबोला बालक कौन होता है? अबोला बालक, हाँ, बोल नहीं सकता तो कौन नहीं बोल सकता? हाँ, वेरी गुड, बच्चा हिस्सा, बोलो, छोटा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा, बोलो, माँ को कैसे मालूम पड़ जाता है, कैसे मालूम पड़ जाता है कि इसकी हसली टर गई, किसकी पेट दुखरा होगा, कि पेट में गैस बन गई होगी, कि इसको भूख लग रही होगी, कि इसको एक नंबर जाना होगा, कि दो नंबर जाना होगा, वो बालक तो नहीं बोलता ना, इतना सा छोटा सा, तो माँ कैसे समझ जाती है। तो ऐसे ही दिगंबर मुनिराज तो याचना नहीं करते, कुछ इशारा नहीं करते, उनके योग्य क्या भोजन चाहिए नहीं चाहिए वेदो नहीं बताते, उस लक्ष्य से प्रवचन नहीं करते, उस लक्ष्य से कभी इशारा नहीं करते। आदिनाथ भगवान भी चाहते तो दीक्षा लेने के पहले बोल जाते ना कि आने वाले समय में जब हम दीक्षा लेंगे तो उस समय तुम लोग एक पाठ जरूर पढ़ लो। कौन सा? कि आहार दान की विधि क्या है। ऐसा नहीं हो कि तुम लोग आहार दान की विधि नहीं सीखो और हम डॉट डॉट डॉट, तो ऐसा नहीं करते, अपने लिए नहीं करा सकते। प्रवचन में सहज कोई विषय आए और दूसरे मुनिराजों की व्यवस्था बनाना हो, एक सामान्य पाठ पढ़ाना हो, वो एक अलग बात है। लेकिन कोई भी दिगंबर मुनिराज अपने लक्ष्य से प्रवचन नहीं करते कि ये आहार की चर्या ऐसे करना चाहिए। अभी इसमें बहुत अच्छी गाथा आने वाली है जिसको मैं अभी पढ़ने वाला हूँ। तो फिर क्या करें श्रावक? श्रावक अवोले बालक की भाषा को समझ जाते हैं, भाव को समझ जाते हैं। ऐसे दिगंबर मुनिराज तो नहीं कहते, नहीं कहेंगे कभी, इशारा भी नहीं करेंगे और करवाएंगे भी नहीं। लेकिन अभी अगली गाथाओं में आने वाला है, दिगंबर मुनिराज श्रावक इतने होशियार होते हैं, श्रावक उनकी आंखें देखकर समझ जाते हैं कि रात को नींद पूरी हुई कि नहीं हुई, सर्दी तो नहीं है, कफ तो नहीं हो गया, ठंड बहुत पड़ रही है, इन्हें कौन सा हाल लगेगा। समझ में आ रहा है? कुछ जो वैद्य लोग होते हैं ना, वैद्य लोग, वे लोग आंखें देख के समझ जाते हैं इन्हें बात का रोग है कि पित्त का है कि कफ का रोग है। आपके बोलने की स्टाइल से समझ जाएंगे इन्हें बात है कि पित्त है कि कफ है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो श्रावक होते हैं वे इतने इंटेलिजेंट होते हैं। ज्वाइंट फैमिली की जरूरत क्यों पड़ती है? ज्वाइंट फैमिली में बुजुर्ग माता पिता दादा दादी भी आहार करा नहीं पाते, मान लो, या कराते तो है लेकिन बना नहीं सकते, लेकिन समझदार बहुत होते हैं ज्वाइंट फैमिली में, तो वे देख के ही समझ जाते, ठसका लगा, अरे रुको रुको, जा थोड़ी सी घना घोंट के दे दे, गला में ठसका लग रहा है, गर्मी बढ़ रही है, पित्त बढ़ रहा है, बमन हो जाएगा, वो दे दो, क्या कहलाता है, अमृत धारा, एक बूंद अमृत धारा दे दो। मैंने वो बुजुर्ग जो होते हैं ना, वो बैठे होते हैं और उनके मार्गदर्शन में बहुएं काम करती रहती हैं। ये समझो कि बुजुर्ग लोग 50% माने आधे आधे वैद्य हो जाते हैं, क्योंकि जिंदगी में 60-70 साल बीतते बीतते उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी हैं। तो छोटे छोटे जो बीमारियों में इलाज होते हैं, छोटे छोटे, ए दो लौंग उबाल के दूध दे दे, थोड़ी सौंठ डाल के दूध दे दे, तो उनको जो आइडिया होता है उससे वो समझ जाते हैं कि मुनिराजों के लिए कैसा आहार देना है। और इसलिए ज्वाइंट फैमिली की बहुत जरूरत पड़ती है। और आज दिगंबर मुनिराजों का यदि स्वास्थ्य बिगड़ रहा हो तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ज्वाइंट फैमिली नहीं, वैद्य सदाकाल साथ नहीं चल सकते। और जो नई नई बहुएं होंगी 18, 20, 22, 25 साल की, उन्हें अनुभव नहीं है, तो सबको क्या लगता है कि मुनिराज के ना तो कभी ये सोचते बात है का है कि पित्त शरीर है कि कफ का प्रकृति है, ये मालूम नहीं है। क्या कहलाता है, गर्मी के दिन और मूंगफली और बादाम घोंट घोंट के लड्डू बना दिए, अभी प्रकृति विरुद्ध हो गया। पहले ही तो जम के ठंड पड़ रही दिसंबर जनवरी में, और भात बना दिया, भात चावल और खीर भी वही,
ठंडी प्रकृति की, मैंने ठंडी ठंडी प्रकृति की चीज बना दी तो दिगम्बर मुनिराज बीमार हो जाएंगे। इसलिए योग्य आहार को भी समझना चाहिए और योग्य विहार को भी समझना चाहिए और समझ करके हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए, क्योंकि आप पालन करोगे तब करवा पाओगे। यदि तुम्हें ही नहीं मालूम तो करवाओगे कैसे? तुम्हें तो ये लग रहा है भाई महाराज आप तो अच्छे से ले लो, खीर ले लो, पूड़ी ले लो, हलवा ले लो, लड्डू ले लो, अच्छे से खाओ पियो, आप आराम से रहो। आराम से रहो कि बीमार हो जाएंगे, समझ आया? इसलिए जो साधु को गरिष्ठ आहार कराते हैं वे मानो उनके मोक्ष मार्ग पर उपसर्ग करते हैं। क्यों? आप तो दे दोगे गरिष्ठ भोजन, ले उनके साधना समाधि सम्य क्या कहना जितनी भी साधना होती है वो सब में बाधा पड़ती है। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखना, और इसलिए वो ग्रंथ आप जो मूल विस्तार से ना उसमें पढ़ लेना अच्छे से कि योग आहार विहार कैसा होना चाहिए और अपने जीवन में वो योग आहार विहार काम आएगा आपको, तब आप स्वस्थ रहोगे। आज बच्चे बीमार क्यों हो जाते हैं? मैंने कोई कोई बच्चे ऐसे मिलते हैं बताते हैं, मुझे पता नहीं मैदा ज्यादा है वो क्या कौन सी चीज पिज्जा खाते हैं क्या करते पिज्जा मैदा का बनता है क्या बर्गर वगैरह ऐसा भगवान जाने अपन तो जानते नहीं। तो पिज्जा बर्गर, एक पिज्जा बर्गर पचाने में 3 दिन लगते हैं ऐसा कहते हैं। अब वो खा लेते हैं बच्चे, फिर मोटे होते जा रहे, पचा पाते नहीं, फिर बीमार होते चले जाते, और तमाम बीमारियां हो जाती। तो हमारे दैनिक जीवन में भी हमें योग आहार विहार सीखना चाहिए। आए तो एक बात तो हुई। अब आ जाओ वापस अपनी एक गाथा चलने वाली 230-231 आचरण प्रज्ञापन की अंतिम अंतिम गाथाएं हैं। यहाँ तक आचरण अधिकार लगभग पूरा होने जा रहा है। क्या कहना है पहले तो ये समझे इसमें से। बहुत सुंदर है, 230 मिल गया आपको। देखो मूल का ना छेद हो इस तरह अपने योग ही वृंद बालक श्रांत रोगी आचरण धारण करे। एक गाथा और इसको हम पढ़ते हैं एक साथ, 231। श्रमण श्रम क्षमता उपाधि लख देश एवं काल को जान कर बर्तन करें तो अल्प लेपी जानिए। ये दो गाथाओं को मैं एक साथ समझाता हूँ आपको और फिर इसको और पढ़ के समझाऊंगा जितना समय बचेगा, आगे ही गाथा लेंगे। ध्यान से सुनना सभी लोग। अंतिम अंतिम गाथा है, अंतिम अंतिम मतलब 4 अधिकारों में बटा है ये अधिकार। 75 गाथाओं को 4 अधिकार में बांटा है। सबसे पहले आचरण प्रज्ञापन की चर्चा चल रही है, अभी तक आचरण की बात चल रही है, अब आचरण प्रज्ञापन के बाद अगला मार्ग शुरू हो जाएगा। आचरण की अंतिम अंतिम 2 गाथाएं। मूल का ना छेद हो, मूल का छेद नहीं हो मतलब शुद्धोपयोग का छेद नहीं हो। श्रामण्य, श्रामण्य माने शुद्धोपयोग, श्रामण्य माने जो साधना है शुद्धोपयोग है, उसमें छेद नहीं हो, क्योंकि मूल रकम तो यही है। यदि यही चली गई तो सब बेकार हो जाएगा, इसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। आप निर्दोष 28 मूल गुण पालो लेकिन शुद्धोपयोग नहीं है तो फिर किसी काम का नहीं बचा। तो क्या करना चाहिए? मूल का छेद नहीं हो इस तरह अपने योग ही वृद्ध बालक श्रांत, श्रांत का मतलब होता थके हुए, बिहार करके आए हुए दिगंबर मुनिराज, बिहार करके 15-20 किलोमीटर 14-16 किलोमीटर चलकर आए हों तो थक गए हों, रोगी माने बीमार हो गए हों, आचरण धारण करें, अपने योग्य आचरण धारण करें। क्या मतलब निकला इसका? कि दिगंबर मुनिराजों के मामले में ध्यान रखना, मैं 2 पॉइंट बोल रहा हूँ, उत्सर्ग और अपवाद की मैत्री बता रही है। क्या बोला हमने? उत्सर्ग और अपवाद की मैत्री बता रहे। एक बार बोलो जरा तो याद हो जाएगा। उत्सर्ग, 2 तरह का मार्ग होता है, एक उत्सर्ग मार्ग होता है और एक अपवाद। उत्सर्ग मार्ग क्या होता है? कि कठोर आचरण करना उत्सर्ग मार्ग है और मृदु आचरण सरल आचरण करना ये अपवाद मार्ग है। तो कठोर क्या होता है और मृदु क्या होता है? तो उपवास, उपवास है ना, उपवास कुछ आहार नहीं लेना,
ये कठोर आचरण है। और मृदु आचरण क्या है कि ऊन उदर करना, ये मृदु आचरण है। समझ में आ गया ना? बिल्कुल नहीं खाना पीना, इतनी गर्मी पड़ रही तो लोग तो बड़ी तारीफ करेंगे, भैया 5 दिन को उपवास है, 5 दिन से कछु नहीं, पानी तक नहीं पिया भैया, बहुत बड़े बहुत बड़े बहुत बड़े। ये हो गए कठोर आचरण। और मृदु आचरण ये होगा कि भैया इतनी गर्मी पड़ रही तो पानी ले लिया, भोजन ले लिया, ऊन उदर कर लिया। समझ में आ गया सबको? तो ये हो गया मृदु और रसिक। ये सब थोड़ा और समझाता हूँ। सातवें गुणस्थान से होता है उस सर्ग मार्ग, और छठे गुणस्थान में होता है अपवाद मार्ग। समझ में आ गया आपको? छठे गुणस्थान में क्या होता है? सातवें गुणस्थान में तो आहार नहीं होता, विहार नहीं होता, शुद्ध उपयोग होता है, उसमें तो कुछ होता नहीं। तो जो छठा गुणस्थान होता है वहां आहार की चर्या होती है। अब मैं इसे थोड़ा सरल करूंगा, अभी देखना जरा ध्यान से तो सरल हो जाएगा। कई बार वो नहीं होता, चाहे प्राण जाए पर मैं कठोर आचरण नहीं करूंगा, पढ़ने दो धूप में, धूप में ही बैठूंगा। कि नहीं, यदि आपकी ताकत नहीं हो, सिर में चक्कर आ रहे हो, तो दिगंबर मुनिराज को धूप में बैठना जरूरी नहीं है। क्योंकि धूप में बैठ करके यदि आप रोगी हो गए, तकलीफ हो गई, आपकी देह छूट जाए, तो आपने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। लिखा है पढ़ना आप टीका में कि यदि देह का घात हो गया तो आपका संयम का साधक जो शरीर था उसका घात कर लिया, माने संयम का ही साधन चला गया आपका। फिर समझ लेना अच्छी तरह से, दिगंबर मुनिराज के प्रकरण में बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी हैं। एक बात इतनी सुंदर लिखी, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। दिगंबर मुनिराज इस देह को उसी प्रकार से आहार देते हैं जिस प्रकार से पहले जमाने में बैलगाड़ी चलती थी। बैलगाड़ी तो बैलगाड़ी में जो पहिया लगाए जाते ना, पहिया तो लकड़ी के ही होते हैं पहिए, और उनमें लोहे की रिंग लगी रहती है, तो वो सूख जाते हैं। तो सूख जाते हैं जब चलते, कभी देखिए हमने चलते हुए पहिए बैलगाड़ी के, तो उनकी आवाज आती है जब कच्चे रास्तों पर चलती है, चपर चू चपर चू चपर चू, माने वो उसकी आवाज आती है। तो उसकी आवाज से बचने के लिए उसमें औंगन डालते हैं। औंगन समझते हो? लुब्रिकेंट, माने चिकने चिकने पदार्थ उसके पहिए में डाला जाता है, तो फिर वो आवाज नहीं आती, फिर चलती चली जाती है। ऐसा ऐसा दर्शन दिया। तो दिगंबर मुनिराज इस शरीर को उतना ही आहार दे देवे, उसी प्रकार आहार दे देते हैं जिससे शरीर रूपी बैलगाड़ी मोक्ष मार्ग में जाते समय, मोक्ष को जाते समय, साधना करते समय, सामायिक करते समय, समाधि करते समय चपर चू ना करे। ऐसा लिखा है, चपर चू नहीं करे। नियम साधियों शब्द आए, हट रहित क्रियाएं करते हैं, हट पूर्वक क्रिया नहीं करते। हट समझे, खेच करके क्रिया नहीं करते। खेचने का मैं दृष्टांत दूंगा आपको, एक बात सुनना सभी लोग। इसीलिए कोई भी प्रतिज्ञा लेना हो मोक्ष मार्ग में, वो गुरु से आज्ञा लिए बिना नहीं ले सकते आप। कोई भी नियम आपको लेना है, क्योंकि उपदेश तो सब तरह का लिखा हुआ है, आप उसको समझते नहीं हो। इसमें अभी एक शब्द आया अगली गाथा में, देश काल को जानकर। क्या कहा हमने? देश काल को जानकर। ध्यान रखना, मैं सबसे कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, कभी भी भावुक होकर के नियम नहीं लेना। आपने पढ़ा और नियम ले लिया, आपने सुना और इमोशनल होकर आपने नियम ले लिया, कभी नहीं करना जिंदगी में। क्योंकि आप बच्चे हो, नए हो, आप जब तक गुरुओं से नहीं पूछ लेंगे कि ये नियम मुझे लेना कि नहीं लेना, तब तक मत लो। अभ्यास भले ही करो थोड़ा थोड़ा, लेकिन बड़े सख्त नियम कभी नहीं लेना। जैसे मैं एक दृष्टांत दूं, एक बहुत सुंदर सभा चल रही थी, दिगंबर मुनिराज प्रवचन कर रहे थे, तो एक लड़की को ऐसा भाव आया, 18 साल की बच्ची थी, बहुत अच्छी थी वो, तो उसको ऐसा भाव आया कि हम हर अष्टमी चौदस का उपवास करें। तो शक्ति तो अच्छी है शरीर की, 18 साल की उम्र में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो हम हर अष्टमी चौदस को उपवास करें। अब ये बात अच्छी हुई कि उसने ये बात सुन ली कि गुरु से लेना पड़ता है नियम, तो वो गुरु के पास गई, मुनिराज के पास, महिलाओं के साथ, बहनों के साथ, और उनसे पूछा कि मुझे ये प्रतिज्ञा लेने का भाव है कि मैं 8/14 को उपवास करूं, तो आप मुझे आजीवन का नियम दे दो। धीरे धीरे अभी चलो जाएंगे, करते करते अष्टमी 14 कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सच्ची घटना है। तो फिर वो मुनिराज ने उसको मना कर दिया कि आप नहीं ले सकते नियम, आप नियम नहीं ले सकते। बोले क्यों? पूछे ना क्यों नहीं ले सकते, 18 साल में तो कोई तकलीफ नहीं ना,
और करते रहेंगे, क्या दिक्कत है, 8 और 14 की क्या दिक्कत। तो मुहिराज ने कहा अभी तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हें पति की आज्ञा लेना पड़ेगी इसके लिए। यदि तुमने विवाह नहीं किया हो, ब्रह्मचारी हो, तो तुम्हें अपनी गर्णी माता की आज्ञा लेकर, जिनके संग में आप रहोगे पूरे जीवन, उनकी आपको आज्ञा लेना पड़ेगी। क्योंकि देश काल बदल जाएगा, आप अमुक देश में जाओगे वहां बहुत तेज गर्मी पड़ती है, आपको वहां पर अमुक अमुक भोजन ना मिले, दूध ना मिले, फला नहीं मिले, तो आपको क्या करना पड़ेगा। बीमार होने से अच्छा है कुछ खाओ, बीमार होकर के देश छोड़ देने से अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ ले लो। मतलब आपने 8 और 14 का उपवास कर लिया, आप बीमार हो जाओ, देश छूट जाए, तो आपको संयम का साधन नहीं छोड़ना। दूसरी बात, तुम शादी हो जाएगी, आपको गर्व होगा, आप बच्चे को भूखा नहीं मार सकते, 8 और 14 आएगी 9 महीने में, आप भोजन नहीं करोगे तो बच्चे को घर में भोजन नहीं मिलेगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने इतनी दूरदृष्टि बताई उन्होंने, तब उनको समझ में आई सब महिलाओं को, यहाँ बात सही है। मेरा कहने वाले दृष्टांत हमने इसलिए दिया कि बिना देश काल को जाने इमोशनल होकर के कोई नियम नहीं लेना। मैं कई बार कहता हूँ कोई कोई ऐसा हरी भी छोड़ना ना, हरी तो मेरे से पूछ के छोड़ना कि हम 5 हरी में काम चला लेंगे। हम नहीं कहते 5 हरी में, आप अभ्यास कर सकते हो, रोजाना एक एक दिन का अभ्यास कर लो, आज हम 5 हरी लेंगे, आज 3 लेंगे, 8 लेंगे, 10 लेंगे। टोटो मजी साहब ने लिखा है छोटा नाम रखा करके बड़ा त्याग करने में बुराई नहीं है। माने डिक्लेयर करो कि छोटा त्याग और पालन करो बड़ा, इसमें बुराई नहीं है। लेकिन बड़ी प्रतिज्ञा धारण करके आप छोटा त्याग नहीं करो, छोटा पालन नहीं करो। टोटो मजी साहब ने लिखा है मुक्ष्म प्रकाश है। मैंने इन बातों का इसलिए ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि आपने 5 हरी ले ली, अब प्रत्यक्ष में तो देखने में 5 हरी दिख रही है, लेकिन दाल के अंदर हरी मिर्ची डली है, अब इतना सा टुकड़ा आएगा तुम्हारे वहां में, अब उसे हरी गिनोगे नहीं गिनोगे, या तो इतनी सारी चीज छोड़ के फेंक दो जो बनी है सामग्री, या तो उसे फेंक दो या भोजन छोड़ दो, तो भोजन का नुकसान होगा, सामग्री का नुकसान होगा। आप विवेक लगा के रखो कितनी प्रत्यक्ष हरी खा सकते हो, कितनी अप्रत्यक्ष हरी खा सकते हो। घर घर में मानो झगड़े होते हैं, झगड़ा देखा तुमने, त्यागी व्रतियों ने कहा ओ हमारी 5 हरी हो गई थी, तुमने लौकी की चम्मच कड़ी में काट डाल दी, अब हमारी कड़ी खत्म हो गई। तो फिर ऐसा भी नियम लेके रखो कि भैया वो प्रत्यक्ष कोई तुम्हें परसे वही हरी। अब घरों में कई बार क्या होता है, उसी चम्मच से भिंडी परस देते हैं, और उसी चम्मच से लौकी परस देते हैं, और उसी से चटनी परस देते, अब तुमने हरी गिन ली सारी और तुम्हें खाना कम, तो मिक्स हो गई, हाथ लग गए। अब कई महिलाओं में इस बात का झगड़ा होता है त्यागियों में कि देखो तुमने कद्दू को चक्कू ककड़ी में लगा दो, अब बढ़िया बात हो गई, कद्दू का हरी बाद में घुस गई। तो भाई ऐसे सोच समझ के लियो, तुम्हारी वजह से घर घर में आफत नहीं मच जाए, नहीं तो तुम त्यागी व्रती हो जाओगे, तुम्हें कोई आहार नहीं कराएगा। क्योंकि एक घर में 4 व्रती आए और चारों की 4 अलग अलग हरी, अब मुश्किल पड़ेगा। फिर जाके चम्मच जामे मत लगा, हाथ मत धो, क्या हाथ धो, फिर जाके कपड़े जहां से नहीं लगा, बड़ी मुश्किल पड़े। हमारा मतलब है आप अभ्यास करो छोटा छोटा, लेकिन इस तरह के नियम नहीं बनाओ। और भी मुझे कुछ कहना है बहुत, क्योंकि इस समय हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तकलीफ आती है, नाराज नहीं होना कोई कोई नाराज नहीं होना, मैं स्पष्ट बात कह रहा हूँ। 1 लाख असंयमियों को भोजन कराना सरल है, समझ गए हम क्या कह रहे हैं पंकज, 1 लाख असंयमी एक संग बैठ कर खा पी लेंगे जैसा अभी कोई, लेकिन 4 संयमी एक चौका में आ जाएं, तुमने उड़द की दाल बना लिया, वो हमें खाने नहीं थी। मैं खनिया दाना में भोजन करने गया, एक त्यागी जी पधारे, तो उनको भी हमारे साथ ले वाले गए, हम प्रतिमाधारी थे हमारे साथ चले गए। अब ठीक है पहुंच तो गए, अब संयोग से जो भोजन बनाने वाली परसने वाली थी वो पैर धोकर के चौके में जाएगी, तो पैर धोकर के उसने प्लास्टिक का जो पैर पोंछा होता है ना आजकल, क्या कहला पैर पोंछ नहीं लगा रहे, तो प्लास्टिक का रखा रहता पायदान पैर पोंछा जो भी, तो उसके ऊपर उसने पैर रख दिया। अब एकदम नाराज हो गए, अब तुम्हारे पूरे कपड़ा शुद्ध हो गए, जबकि बिचारी को पैर ही रखाए थे वहां पे,
मैंने कपड़ा तो टच नहीं हुआ ना, अब पता प्लास्टिक के चटाई पे रख दे तो वो कपड़ा शुद्ध हो गया। अब क्या कर, अब हम नहीं खाएंगे तो अब हम क्या, अब आप विराम विराम करो तो अब आपके लिए अलग से रसोई बनेगी, अब क्या करे। फिर एक महिला दूसरी कपड़ा बदल के आई, उनके लिए खिचड़ी बनाई, तब ने खिचड़ी खाई। तो यहाँ से नहीं, मैंने जिन चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ छोटी छोटी बातों में हैरान पड़ जाए। एक कहेगा कि हम बांस से उठाएंगे कपड़ा, एक के हम चिमटा से उठाएंगे कपड़ा, एक के हम उठाएंगे नहीं, हम कल उठाएंगे सुबह। तीन ब्रह्मचारी बहन एक संग नहीं रह सका तो ये बड़ी बड़ा घटना है। मैंने यहाँ की भाई चर्चा तो इस पे होना चाहिए कि द्रवगुण पर्याय की स्वतंत्रता क्या है, विकार कैसे मिटे, प्रेम कैसे बढ़े, वात्सल्य कैसे बढ़े, एक दूसरे की सेवा कितने प्रेम से कर सके, चर्चा तो इस पे ज्यादा होना चाहिए। मैंने इन छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बात करे, इसका मतलब मैं स्वच्छता का पोषण नहीं कर रहा हूँ, स्वच्छता का पोषण नहीं कर रहा हूँ। मेरे कपड़े छू जाते, मैं आकुलित नहीं होता, ठीक है चलो कपड़े में छोड़ लेंगे, क्या करो। अभी अंतिम दिन हम आए थे उस दिन, तो एक बच्चा यहाँ से पहुंचा था कहीं से पैर छूने के चक्कर में कुर्ता ऐसा लग गया। अब एक सेकंड की गलती होगी, एक सेकंड बाद हमें जा रहे थे भोजन करने, और एक सेकंड गड़बड़ होगी, हमें कोई बात नहीं, गए कपड़ा उतार के निचोड़ के डाल दी, गर्मी के दिन पहन ले, पांच मिनट और 5 मिनट लगे, क्या दिक्कत है, आराम से भोजन कर लिए। और नहीं तो जैसे रेलगाड़ी में खा ले तो कपड़ा छू गया, एसटी तो है नहीं जे नहीं तो है, छू गया तो छू गया, नहा धोके आया, शुद्ध कपड़ा पहन के आया, उस अपेक्षा तो शुद्ध ही, अब छू गया तो छू गया। तो एक काम करो, सब्जी और 2 पराठे खा ले, छुट्टी हो गई। वैसे तो तुम खाते ही हो सड़क पे, रेलगाड़ी में, कहीं बस में, स्टैंड पे कहीं बैठ के खा दो, खा ली। मैंने ये लड़ाई झगड़ा नहीं बढ़ा, ओ तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम्हें ऐसी नहीं है, तुम्हें मर जाओ ला हूं, अब दूसरी जोड़ी कपड़ा लाओ, तीसरी जोड़ी। अरे ये देखो उल्टा नहीं पकड़ना, मैंने पहले ही कहा था मैं अशुद्धता का, मैं खुद पालन करता हूँ शुद्धता का, मैं पूरा ध्यान रखता हूँ कि मैं नहीं, लेकिन कसाय नहीं करना, सीधी सी बात, क्योंकि इसकी पवित्रता तो 5 मिनट पानी से धुल जाएगी। मैंने क्या कहना, अपवित्रता, इसकी पवित्रता तो कपड़ों की पानी से हो जाएगी, लेकिन जो कसाय हो जाएगी ना, और जो कसाय का इम्प्रेशन घर वालों पर पड़ेगा, दुनिया पर पड़ेगा, देखेंगे लोग, वो नहीं धुल पाएगा। कई बार ऐसे हो जाता है कि जो ज्यादा करते ना, फिर वो समाज में जब आते ना कभी, नहीं भाई भी आ रहे क्यों, हमारी बस की नहीं, एक बार हम आए थे थाली पे से उठ के भग गए थे, भैया हमारी बस की नहीं, उनको भैया हम डरा थे। डर नहीं लगना चाहिए, दिगंबर विराजों का ये आहार और त्यागी व्रतियों का आहार इतना सहजता से होना चाहिए कि जो उनके बन गया उसमें साथ ले लो। मैं इस मामले में कहता हूँ, मुझे कोई भी भोजन करा सकता है, बस तो ये आग्रह मतलब कोई दाल चावल रोटी ही खिलाना है। तुम्हारी थाली में, तुम्हारे घर में यदि कुछ अशुद्ध भी होगा तो हम पानी पी के जाए। हमारे संग ऐसा हुआ एक बार, हम गए, अब हम पूरा भोजन अशुद्ध, तो अभी हम प्रेम से बैठे रहे, हमारी पानी की कैन बुलवाई, पानी की कैन बुलवा ली, खत्म। हमारे पास जो नाश्ता का वो बुलवा लिया, और उनकी ककड़ी ले ली, खरबूजा ले लिया, आम ले लिया, 3 बार धो लिए, आराम से भर पेट खा लिए, आ गए वापस। उन्हें जी असंतोष नहीं होना चाहिए, पंडित जी हमारे घर से 12 बजे भूखे चले गए, नहीं हम लेंगे तुम्हारे यहाँ पानी का छन्ना, हमारा मंगवा लिए, सामने छनवा लिए पानी, जो ले सकते थे केला वगैरह वो तो ले ही सकते ना, दिक्कत क्या है। और जरूरत पड़ जाएगी तो हम 10 मिनट बैठ जाएंगे, ले आओ चावल, ले आओ 3 बार धो दे रहे, एक तपेली वो बलवा ले रहे, निपट गए काम, क्या दिक्कत। लेकिन सामने वाले जिस घर में आप जाओ उस घर में असंतोष नहीं फैलना चाहिए। इसका मतलब हमें नहीं कह रहे अशुद्ध खा लेना चाहिए, शुद्ध खाएंगे शुद्ध, लेकिन इतना आक्रोश मत करो कि बेचारा घबरा जाए। हम लोगों ने तो बहुत देखा है, बहुत बढ़िया बढ़िया घटनाएं हुई है, शाम का टाइम, इसलिए एक घटना सुना देता हूँ आपको। सुनी नहीं सुनी? नहीं सुनी तभी सुना देता। एक गांव है, नाम लेने से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक गांव का नाम लो तो पूरा गांव बदनाम हो जाता है। और आजकल व्हाट्सएप पे सब सुन रहे होंगे, पता नहीं काहे पे आजकल सब सुन रहे, यूट्यूब वगैरह पे, तो बेचारा पूरा गांव वाले को दिल तो ऐसा नहीं। तो हम भोजन करने गए तो बहुत ही घूंघट तो थी, गांव में ये पद्धति अच्छी है, गांव में घूंघट होता है, चौथा काल देखना हो तो अभी भी गांव में थोड़ा बहुत है शहरों में तो छठा काल लग गया, 5 बार भी नहीं बचेगा बम्बई वगैरह में, तो बहुत बुरी हालत। तो कहने उसका इतना अच्छा, अब उसने क्या करा, जैसे भोजन परोसना था
तो फटाफट कपड़े से थाली पहुंची और जमीन पर रख दिया कपड़ा, जमीन पर। तो यहां तक तो कोई बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं, जमीन पर रख दिया तो हमने उसे इशारा किया, जो कि तब तक हमारा मौन था, तब मजबूरी थी, अब हमें इशारा करना पड़ा कि ये छन्ना अब मत उठा लेना, जमीन का रखा हुआ मत उठा लेना। हमने तो मना करने के लिए ऐसे इशारा किया था, अब जी मत उठाना, मुंह से तो नहीं बोले ऐसे इशारा। वो इतनी घबराहट में थी कि समझ ही नहीं, उसे उठा के कनक में रख लिया, मुझे रोटी बनाने की थी ना वो आटा, उसमें रख लिया। कहा अब हमने ऐसे कर दिया, क्या अब रोटी का, रोटी तो हम ले नहीं सकते, मतलब तो गड़बड़ होगी ना, अब रोटी कैसे लेंगे अब। तो फिर वो समझ गई एकदम, जैसे हमने ऐसे करा था तो एकदम समझ गई। तो पंडित जी क्षमा करो, गलती हो गई, हम दूसरी रोटी बना दे रहे, दूसरा आटा ले रहे। तो उनने वो ही छन्ना को हाथ और वो ही कनक को हाथ फिर आटे के डब्बा में डाल दिया। मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे जी कह रहे। तो हमारा मतलब है कि तब भी हम नाराज नहीं हुए, हमने कोई बात नहीं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अब हम फिर से मौन ले लेंगे, अब तुम घबराओ नहीं, बिल्कुल नहीं घबराओ। बहू बेचारी, असल में बहू की बड़ी तकलीफ है, पूरी सास खजाई हुआ हम चले जाएंगे तो हमारे जाते थे वो सब नाराज हो जाएंगे, वापस कुलच्छ नहीं। और फिर वो समाज के जितने लोग होंगे समाज में, ओ आग की तरह बात फैल जाएगी, इनके घर में भोजन नहीं हो पाए। मैं जिंदगी भर के लिए वो त्यागी बेटियों के आहार देने में हो जाएगी। तो हमने मौन तोड़ के फिर उससे कहा, बिल्कुल नहीं घबरा बेटे, अभी भी जो चीज बची रह गई ना, खिचड़ी दाल चावल जो कुछ रह गया, उसे मच्छी हुआ यहाँ रख दिया, हम ले लेंगे, अपने हाथ से ले लिया, प्रेम से ले लिया, छुट्टी और निपट गए काम। उसे भी खुशी रहेगी, चलो भूखे नहीं गए, दूध ले लिया जो था ले लिया, आराम से आ गए। एक और नगर में गए, बहुत ऐसी घटना घटी, मैंने इतनी फेमस कि भैया हम पूरे विश्वास से गए कि ये भोजन बना लेंगे हमारे, क्योंकि ये चौका लगाती इतनी फेमस, चौका लगाने में फेमस। हमें कोई बात नहीं, अब जब चौका लगा लेते इतना तो कर ही लेंगे। अब हमारे देखते ही देखते हमारे सामने ही जमीन जमीन पे उन्होंने जमीन फर्श पे पहुंचा और वही पे सेंधा नमक रखा जमीन पे और पत्थर बस फूटने लगी। मैंने बहुत बढ़िया, अब तो भोजन बन गया हमारा, जमीन पहुंच गए, मतलब जमीन पहुंच के नमक कूट रहे। फिर हमने उनसे कहा चार बज गई है और पौने पांच पर सूरज डूब जाएगा, दिसंबर की बात है, मैं अब तुम सब निकल जाओ चौका में से। सबको चौका में से निकाला, हम 3:30 बजे पहुंचे थे, 4 बजे नहा धो के तैयार करके मंदिर पूजन काट के आए थे, और हमने फिर फटाफट हटाया, अपने हाथों से फटाफट रोटी बनाई, फटाफट एक जगह सब्जी छौंकी और फटाफट खा लिए, 2 मोटे मोटे टिक्कड़ बनाए सब्जी और रोटी का। हमारा मतलब है कि इतने एडजस्टेबल होना चाहिए, ये घटना इसलिए नहीं सुना रहा हूँ, इतना एडजस्टेबल होना चाहिए, सामने वाले का चित्त नहीं दुखना चाहिए, और आपके आक्रोश से आपकी जो छवि खराब होती है वो धुल नहीं पाएगी। माने हम शुद्धता में कमी करेंगे नहीं, लेकिन सामने वाला दुखी हो जाए ऐसा भी उपाय नहीं करेंगे। ये बात मैंने क्यों पढ़ाई, युक्त आहार की व्यवस्थाएं हमारे घरों में इस तरह चलनी चाहिए, तब जाके आप दिगंबर मुनिराजों को युक्त आहार करा पाओ। और फिर कहता हूँ, ज्वाइंट परिवार के बिना दिगंबर मुनिराजों को आप स्वस्थ नहीं रख पाओगे, इसलिए इसमें एक शब्द लिखा है रोगी, बाल वृद्ध रोगी श्रांत, श्रांत माने थके हुए। आपको पता नहीं थके हुए को क्या खिलाना चाहिए, थके हुए को क्या करना, क्यों तुम गर्मी में आओ 2 बजे पसीना पसीना, तो क्या करना चाहिए आते थे, ठंडा ठंडा मटके का पानी पी लेना चाहिए। अब इतनी खबर होना चाहिए पानी नहीं पीना चाहिए, जब तक 10-5 मिनट भले कितनी प्यास लग रही, जब तक 10-5 मिनट में ऑटोमेटिक पसीना ना सूख जाए, ऑटोमेटिक 10-5 मिनट में आपकी हार्ट बीटिंग नॉर्मल नहीं हो जाए, तब तक ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, बीमार हो जाओगे आप। तो श्रांत की सेवा, मैंने ऐसे मुजाजों का आहार कैसे कराना, थके हुए मुजाज का, रोगी मुजाज वे कैसा आचरण करें कि हटाग्रह नहीं करें, जी कह रहे अर्थात सदाकाल उत्सर्ग मार्ग नहीं अपनाए, अपवाद मार्ग भी अपनाए। अपवाद का मतलब समझ लेना, ऐसे नहीं अपवाद माने 2 बार आहार ले लेंगे, दवाई लेना तो 3 बार ले लेंगे, इसका नाम अपवाद मार्ग नहीं है, बस खेच नहीं करेंगे, खेच समझ में आ गया। कई लोग
शहरों में बड़ा फेमस है 10-10 दिन के उपवास, महीना महीना भर का उपवास। क्यों करना चाहिए महीने भर का उपवास? क्यों 10 दिन का उपवास करना क्यों चाहिए? उपदेश तो बताओ। तो यहाँ लिखा है शुद्धोपयोग के लिए। यदि आपका शुद्धोपयोग हो, 24 घंटा सांस पढ़ने में मन लगता हो, एकांत में रहने में मन लगता हो, तो इतने उपवास करना आप। लेकिन फिर आपने उपवास तो कर लिया, फिर टीवी देख के टाइम काटो, फिर चार सहेलियां आ गई, वो अंताक्षरी खेलने लगी, फिर चपेटा खेलने लगी। अब चपेटा खत्म हो गया, चपेटा समझते नहीं समझते, खेलने वाले आते हैं ऐसे। हाँ, चपेटा खेल के टाइम का टोटम जी लिखा है, रोगी की भांति काल नहीं गवाना। इससे तो आप आहार ले लो, अब चक्कर आ रहे, फिर पट्टी बांध ली, सामायिक में ऐसे बैठी, बोले क्या है 10 दिन को उपवास है। मैंने यदि आपको नींद आती हो उपवास में, तो उपवास नहीं कर, बीमार होते हो तो नहीं कर, इसका नाम है अपवाद। मैंने शरीर को तोड़ने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। तुम 10 दिन का उपवास कर लो, 1 महीने कर लो, नहीं 1 करोड़ जन्मों का उपवास कर लो, तो अभी मोक्ष मार्ग नहीं होता, निद्रा नहीं होती, निद्रा होती है शुद्धोपयोग से। ये समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर। इसलिए दिगंबर मुनिराज जैसे अपने योग्य आचरण हो वैसा करें, खेच करके नहीं करें, हठपूर्वक नहीं करें। हठपूर्वक का मतलब ये नहीं समझना 2 बार आहार ले लेंगे, 3 बार दवाई ले लेंगे, ऐसा नहीं समझना। इसका मतलब इतना ही है, उत्सर्ग और अब्बास की मैत्री बना करके रखें। इसमें बहुत अच्छे शब्द आए, अब मैं थोड़ा सा उसको ही पढ़ के समझा रहा हूँ। समझ तो गए ना, उत्सर्ग और अब्बास। अब्बास अगवाद, अब्बास का मतलब बगवाद नहीं, अब्बास का मतलब यह है कि जो छठे गुण स्थान में चल सकता है उसे करो। आए चले आगे देखिए, देखो इसमें श्रमण 231 नंबर, श्रमण श्रम क्षमता उपाधि लख देश एवं काल को। अब ये देश एवं काल का ज्ञान होना चाहिए, गर्मी के दिनों में क्या लेना चाहिए ये पता होना चाहिए। सुनना बस छोड़ रहा हूं मैं, गर्मी के समय में आपको क्या लेना है, ठंडों में आपको क्या लेना है ये पता होना चाहिए। आपको पता है इसलिए मुनिराजों को जब आहार दान देते ना, उसके पहले थाली दिखाती और एक एक चीज बताती, ये ऐसी चीज है। तो मुनिराजों को भी स्वयं को उपयोग लगाना चाहिए। इसमें ऐसा लिखा है, हालांकि अल्पबंध होता है, इसमें उपयोग लगाने में अल्पबंध होता है, पूर्ण निर्बंध नहीं होता, लेकिन संयम का घात शरीर का घात हो उसकी तुलना में अच्छा है, क्योंकि संयम का ही घात हो जाए वो बहुत बड़ा घात। नहीं आई थी समझ में, कैसे डिटेल में समझाने पड़े। कई बार हमारे ब्रह्मचारी भाई, हम उनकी तरफ से कह रहे हैं भाई लोग, क्यों भाई तुमने ये क्यों खाया, हम क्या कह रहे हैं, उन्हें परस जाओ, माने ही नहीं, उन्हें बेरखदय का केला है बाफला, अब एक और धर दो लड्डू भी धर दो और फिर फला भी धर दो, अब हमसे इतने तक अजीर्ण होगा उन्हें, समझ आए। मैंने हम अपने भाइयों की तरफ से समझा रहे थे, तो ऐसे भौंद नहीं बनना चाहिए कह रहे हैं कि तुम्हें यही पता नहीं क्या खाना और क्या नहीं लेना और कितना लेना और नहीं लेना, ये अक्कल लगाना सीखो, ये कहना चाह रहे हैं। कई बार अक्कल नहीं होती तो जो चीज औषधि रूप है शरीर को सही भी होगी वो तो ली नहीं, और टेस्ट के चक्कर में क्यों करेला कैसा लगता है। अब करेले का पानी चाहिए था तुम्हें, तो तुमने करेले का पानी, अब वही दवाई थी जबकि वो ले लेना चाहिए थी आपको, बाय तो मना कर दी। और जो चीज नुकसानदायक थी, पहले तो डायबिटिक थी, ऊपर से रसगुल्ला, अब सॉफ्ट है, इतना सा है, चलेगा इतना सा, उसमें क्या है, और रसगुल्ला खेच गए। तुम्हें डायबिटीज है इतनी तो अक्कल रखो कि क्या लेना और क्या नहीं लेना। मैं अभी आपको देखो, जो आपको हंसी मजाक लग रही हो ना, मैं अभी ये सिद्ध कर सकता हूँ कि अभी 90% लोगों को ये बात पता नहीं है कि कब क्या खाना कितना खाना नहीं खाना, ऐसे बहुत ही वंजात बांटे हैं 10-9 दिन के चक्कर में, हमें कहा पता थी, ये तो लापता का आयु देता हूँ। मैंने इतना आपको स्टडी होनी चाहिए कब, जैसे बहुत सिंपल सी बात कहें, लगभग आप में से 90% हो सकता है 99 भी हो, मीठा सबसे आखिरी में खाना चाहिए कि सबसे पहले, अब सब लोगों ऐसा लगता है रसगुल्ला सबसे आखिरी में खींचेंगे, वो भी 2 की जगह 4,
अब पहले सब आइटम खा पी लिया हमने, अब भर पेट हो गए, फिर खीर खा गए, अब फिर रसगुल्ला खा गए, अब बीमार हो जाओगे यार। भोजन करने में बहुत अकल लगाने की जरूरत है। मीठी चीज हमेशा पहले खाओ, क्योंकि उसको पचाने के लिए लार की ताकत बहुत चाहिए, लार चाहिए उसके लिए। लार उसके लिए नहीं मिलेगी तो आपको पथरी बना देगी, वो पित्ताशय में पथरी बन जाएगी उससे आपको। अब जो लोग आखिरी में खाते और पित्ताशय की पथरी बन गई, और फिर कह रहे पंडित जी हम तो कच्छ नहीं खाते, पथरी काय बने गई, जैसे बने तुम्हें इतनी अक्कल नहीं कब के कौन सी चीज खाएं। और महिला पुरुषों में कई बार अक्कल होना चाहिए, मतलब कई बार अक्कल होनी चाहिए। पहले रोटी मना मना के परस दी बहुत सारी, फिर चावल ले आए थोड़े थोड़े, अब चावल ले, हमने सोचा अब तो खत्म हो गया बस, नहीं खीर सोई बनाई, अब आखिरी खीर और ले आई। भैया तुम्हें खीर खिलानी थी तो पहले नंबर बता दो खीर खाने, दूध देना है तो पहले दे दो आप, मैंने पहले दे दो ना आपको जो खिलाना पिलाना। अब उसको तो पता नहीं था आइडिया, उसने भर पेट चार रोटी खा ली, फिर चावल भी खा लिए, फिर तुम दलिया सोई ले आए दूध में डाल के, फिर रसगुल्ला भी ले आए, फिर बाद में थोड़ी सी रबड़ी वाल दिया एक कटोरी। पंडित ज्यादा नहीं है, एक कटोरी है, मैंने तुम्हें क्या इच्छा है, मार डाल भी कोई इच्छा है पूरी। मैं तो इसलिए बात कह रहा हूँ कि ये चर्चा हमारी यहाँ आहार की चर्या क्या होती है, इस पर एक डेढ़ महीने चर्चा हुई हमारे यहाँ, खनिया दाना दो महीने डेढ़ दो महीने चर्चा हुई। खूब विवेक लगाना सब लोग, इसलिए पढ़ा रहे, भले ही आपको स्थूल लग रही होगी, इसमें लिखा है योग्य आहार क्या होना चाहिए, और उत्सर्ग और अब्बास की मैत्री होनी चाहिए। और फिर कह रहे भैया कोई ब्रह्मचारी भाई बहन जिंदगी में अकेले मत रहना, नहीं तो शादी कर लेना, लेकिन अकेले नहीं रहना, और शादी भी कर लो तो सास ससुर के साथ रहना, नहीं तो मरोगे बुरी मौत। और जो ब्रह्मचारी भाई बहन अकेले रहते हैं, वहां में कहा तुम्हें इतना कॉमन सेंस नहीं होगा, तुम शुद्ध सामग्री खा के बीमारियां करके और फिर बहुत बीमार हो जाओ। और फिर बीमारी में होता यह है, इस संयम का घात होता जाता है, फिर बदनामी होती है। ए वे शाम को 7 बजे तक पानी ले रहे, वे ब्रह्मचारी कुल्ला कर रहे थे 7 बजे, फिर वो दवाई ले रहे, मैंने कितने त्यागी व्रती देखो, परमानेंट दवाइयां चलती रहती, उनको डब्बा चला रहे, चूरन चटनी गोलियां बस चलती रही, तो चली क्यों वो। मैंने दिगम्बर मुनिराज को तो हृष्ट पुष्ट होना चाहिए, मुनिराजी सॉरी ब्रह्मचारी की बात कह रहा था ना, मुनिराज तो अच्छे होते ही हैं, लेकिन मैं तो ब्रह्मचारी की बात कहता हूँ। मैंने बहुत प्रसन्न मुद्रा होनी चाहिए, खिला हुआ चेहरा होना चाहिए, अरे विश्व में सबसे ज्यादा आनंद तो ब्रह्मचारियों को है। शादी हो जाती बेचारी, पत्नी की टेंशन भी पति की टेंशन बन जाए, फिर बच्चों की टेंशन भी आदमी की बन जाए, फिर घर में 10 मेंबर हो बीमार सुखी दुखी तो 10 की टेंशन आदमी के सर पे हो, ब्रह्मचारी का ही टेंशन, केवल आत्मा है बस। आहार समाज ने दे दिया, बाकी टाइम आप कर क्या रहे, स्वाध्याय और आनंद तो आनंद करो। तो बहुत प्रफुल्लित मुद्रा होनी चाहिए ब्रह्मचारियों की, नंबर 1 प्रमाद होना नहीं चाहिए, और कभी जरूरत ना पड़े दवा की। इतना अच्छा जीवन चिंतन समझदारी क्या कहना चाहिए, प्राकृतिक खान पान रहन सहन उठना बैठना सब सीखना चाहिए, यह कह रहा हूँ सीखना चाहिए। लोगों को मेरी बात आज की बहुत पसंद नहीं आएगी, मुझे लगता है आज के प्रवचन अच्छे नहीं लगेंगे, क्यों प्रैक्टिकल ज्यादा हो गया ना थोड़ा सा, तो पसंद के मानो लोग मेरे से क्या बोलते, अरे अपन शरीर में तो राग काय को करो, जो चाहे खा लियो, अपन तो ज्ञायक है, तो फिर बीमारी के भी ज्ञायक रहोगे, हैरान परेशान नहीं होना। फिर जी कौन सी बात है, जो ये शरीर है इसमें लिखा है पढ़ लेना आप, देश काल को जानकर योग्य आचरण करें, जरूरत पड़ जाए तो उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद को करें, और कभी जरूरत पड़ जाए तो अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग को करें, ऐसा लिखा है पढ़ लेना इसका अर्थ, उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद और अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग। आगे समझ में आया कि नहीं है, कभी चित्त बहुत लगे तो स्वाध्याय संयम स्वाध्याय पूजा को गौण कर लो, ध्यान में निमग्न हो जा, और जब ध्यान में नींद आने लगे तो पूजा करो, स्वाध्याय करो, भक्ति करो, मैंने दो ही मार्ग अपनाते चलो ना, शुद्ध उपयोग लग रहा तो साफ बात दी वैस, लेकिन नहीं हो रहा हो इतना। अब कितने सारे लोग बेईमान होंगे,
बस बैठे रहेंगे और सोते रहेंगे, ज्यादा नहीं फिर पूजा करें, भक्ति करें, पोछा लगा दें। अरे नींद आ रही तो मंदिर में पोछा लगा दें, हम कौन सी बात। ध्यान रखना भैया, उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद और अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग। ध्यान रखना, शरीर की पुष्टि के लिए हम शरीर का ज्ञान नहीं करा रहे। जब आपको एसिडिटी होगी, रात रात भर नींद नहीं आएगी, तो आप सामयिक कैसे करोगे। बीमार हो जाओगे, बिस्तर पे पड़े होगे, आप सामयिक कैसे करोगे, समता कैसे रखोगे। स्वावलंबी जीवन रहना चाहिए आपका, परावलंबी नहीं होना चाहिए। इसलिए जैसे बने, ध्यान रखना, शरीर के पोषण के लिए नहीं कह रहे, लेकिन शरीर का घात नहीं करना। बस अंतिम वाक्य बोल रहा हूँ, यदि क्षय स्नान करते हैं तो ग्रंथों में लिखी है भैया, पढ़ लेना आप, भगवती आराधना वगैरह, वे हिंसा करते हैं, द्रव्य हिंसा करते हैं, द्रव्य हिंसा, जो अपने शरीर के 10 प्राणों का घात करते हैं वे द्रव्य हिंसा करते हैं, उनको अहिंसा धर्म का पालन नहीं होता। ध्यान रखना भैया, इन बातों को पकड़ के ऐसे नहीं, भैया पंडित जी ने कही थी परिणाम अच्छे रहे, चाहे बाजार की दवाई खाओ, चाहे एलोपैथी खाओ, चाहे चाय जो खाओ, ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, इसे पहले से समझ लो कि बीमार ना हो। पॉइंट पकड़ में आया कुछ, बीमार नहीं हो। इतना ध्यान रखने में तुम मोही रागी द्वेषी नहीं हो जाओगे इसके, थोड़ा बहुत तो बंद होगा, लेकिन ज्यादा बंद नहीं होगा जी कह रहे। और अज्ञानता होगी तो बहुत बंद होगा, क्योंकि संयम का घात हो जाएगा। विचार करना। ओम नमः।